मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में बांधवगढ़ के ताला रेंज में हाथी महोत्सव का आयोजन हुआ। महोत्सव से हाथियों की मौज मस्ती करते हुए तस्वीरें सामने आई है। महोत्सव के दौरान एक ही कैंप में 12 हाथियों के दल ने अरंडी और नीम के तेल से मालिश करा, दोपहर में गन्ना सेब और केले के नाश्ते का आनंद लिया और फिर वापस जंगल की ओर निकल गए। मौसम आया हमें बहुत अच्छा लगा। हर साल आते हैं और जब भी आते हैं तो हाथियों को हम खाना खिलाते हैं, जो भी है हाथियों की सेवा देख के बहुत अच्छा लगता है। ऐसे हम ले गए हाथी नदी, नहलाए धुलाए और फिर लाए उनको सजाए, सजाने के बाद फिर उनको उसमें लगाए, लगाने के बाद फिर उनको भोजन उनके मन पसंद का भोजन की करवाए। 7 दिन तक ये चलेगा और फिर उनका काम उनसे नहीं लिया जाएगा, उनका पिकनिक चलता रहेगा 7 दिन। लेकिन ये भी एक सोशल एनिमल है, सामाजिक प्राणी, तो इसकी भी इच्छा होती है कि हम परिवार के साथ एक साथ हैं। तो साल में एक बार हम सभी हाथियों को एक जगह इकट्ठा करते हैं। तो अभी ये 12 जो हमारे हाथियों का ही बांधवगढ़ के सभी एक साथ यहाँ हैं। 6 दिन अभी ये कैंप 7 दिन चलेगा हमारा और इसमें प्रतिदिन के लिए कुछ ना कुछ काम आवंटित है जिसमें ड्यूटी लगेगी रेंजर की और वो काम कराएंगे। तो उसमें मुख्य रूप से रहता है कि हाथियों का स्वास्थ्य परीक्षण होना है, इनके नाखून काटे जाएंगे, दांत काटे जाएंगे और इसके लिए विशेष टीम आती है डॉक्टर्स की, हम बाहर से बुलाते हैं।